अगली खबर इंदौर से है, जहां 11 साल की माही सिंधे की मौत गोली लगने से ही हुई थी। डॉक्टर मेटल की वस्तु बता रहे थे, वह 315 बोर के हथियार से चला कारतूस निकला। पुलिस अब 315 बोर की बंदूक रखने वाले सिक्योरिटी गार्डों की बंदूकों की जांच कर रही है। कुछ बदमाशों की लोकेशन निकाली जा रही है जो हथियार रखते हैं। मासारदा नगर निवासी किराना व्यवसायी संतोष सिंधे की 11 वर्षीय बेटी माँ रक्षा और छोटे भाई हार्दिक के साथ कॉलोनी में गरबा देखने गई थी। करीब 10 बजे अचानक सिर में कुछ आकड़ लगा और माँ ही गस खाकर रक्षा की गोद में गिर गई। MY अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि माही के सिर से मिली वस्तु मेटल की कोई वस्तु है, वह उसे कारतूस नहीं मान रहे हैं। लेकिन गुरुवार को PM रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जो टुकड़ा सिर से निकाला वह फायर आर्म्स से चला हुआ है। TI दिलीप पुरी के मुताबिक लंबाई चौड़ाई और वजन से तो 315 बोर का कारतूस नजर आ रहा है। पुलिस को शक है किसी ने हर्ष फायर किया और कारतूस आसमान से आकर माही के सिर में फंस गया। इसलिए गुरुवार को पुलिस ने क्षेत्र कुछ सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया और बंदूकों की जांच की। हालांकि उनकी बंदूक से 2-3 दिन में गोलियां नहीं चलना पाई। पुलिस अब हीरा नगर, सुखलिया, मासारदा नगर, कबीट खेड़ी के बदमाशों को जांच रही है, जिन पर हथियार रखने का शक है। घटना के वक्त कहां थे इसकी भी छानबीन चल रही है। घटना के बाद रक्षा का रो रो कर बुरा हाल है। माही उसकी गोद में ही बैठी थी, खून से सना देख वह लोगों की मदद से बारोड़ अस्पताल ले गई थी, लेकिन यहां से स्कीम 54 के निजी अस्पताल भेज दिया। रक्षा के मुताबिक सुबह तक बेटी स्वस्थ थी, सिर से बह रहा खून बंद नहीं हुआ था। 10 यूनिट ब्लड हम दे चुके थे। बुधवार सुबह 10 बजे सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, तब माही हाथ हिलाकर मुस्कुराई थी। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आवाज आई थी, मैंने क्लियर में बोली थी भट्टे वाले, क्योंकि मुझे कुछ गिरने का दिखा ही नहीं वहाँ पर। अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया पूरा जो ये सबसे बुरा घटनाक्रम हुआ है? तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, यानी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो भी व्यक्ति है या तो उसके पास काफी पावर है या हो सकता है इस वजह से उसने इस टाइप से चीजें करी हो। बाकी अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा किसने करा होगा, क्या करा होगा, क्योंकि छोटी सी बच्ची है हमारी 11 साल की। ये घटना कहाँ की है, कि क्या उस वक्त क्या था ये सब कुछ? मैं जनरली बच्चों को लोग गरबा देखने ले जाते हैं, मेरे हस्बैंड के शॉप है, हमारी शॉप है किराने की। जनरली मैं बच्चे दोनों बच्चों को, मेरा बेटा भी है, दोनों बच्चों को मैं गरबे देखने लेती हूँ। वहाँ पर जाके जिस लेडीज में जाके बैठते हैं अपन, नीचे जाके बैठ गए, बच्ची बैठ गई, मेरा बेटा बैठ गया, हम बैठ गए। बच्ची बोली अरे मम्मी यहाँ नया कारपेट बिछा है। तो मैंने क्यों बेटा? तो बोले मम्मी ना यहाँ पर कल माता जी आई थी तो जल गया था कारपेट, इस वजह से नया बिछाया। फिर मैंने उसको अपने पास बोला, मैंने बेटा आपने गरबे नहीं खेले इस बार, मैंने हमने कितना बोला था। बोले मम्मी मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा अगले साल से खेलना। बोले हाँ, 10-15 मिनट बाद भट्ट करके आवाज आई और मैंने देखा उसके पास, मैंने आवाज मेरा देखना हुआ उसको भट्ट करके आवाज आई, तो ब्लड ब्लड उड़ गया। तो मैं एकदम से चिल्लाई, फिर आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर मैं चिल्लाई क्या हुआ क्या, फिर उसको ना एक भैया ने गोद में उठाया, मतलब भैया 2 मिनट में इसके पापा को बुला के लाती हूँ। यानी वहाँ पे लोग हम लोगों को इतना ज्यादा जनरली जानते नहीं थे।